आदमी आदमी पर तो ना गिरले से बच गलिए हमने, बरसात में गिर गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे, मर भी जाएंगे ना। हम मौजूद हैं कोडरमा जिले के प्रखंड कोडरमा के पंचायत गजहंडी के गांव बिरहोर टोला में। यहाँ 14 बिरहोर समुदाय के परिवार निवास करते हैं। यहाँ बिरहोर समुदाय को आज तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। यहाँ के लोग बताते हैं कि कई बार पंचायत के मुखिया से गुहार लगाया गया, परंतु इनकी सुनवाई आज तक नहीं हुई है। यह समुदाय काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहा है। आदमी आदमी पर तो ना गिरले से बच गलिए हमने, बरसात में गिर गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे, मर भी जाएंगे ना। मुखिया से लड़ रहे हैं तो मुखिया नहीं सुन रहा है, नहीं सुन रहा है। मिलेगा मिलेगा बोलता है, कब ले मिलेगा, आदमी मर जाएगा तब मिलेगा। इतना बाल बुतरू को सुता देते हैं और हम लोग जाने पर चल जाते हैं कमाने के लिए, खाने के लिए, और घर में रहता है बाल बुतरू, पानी पड़ता है बरसात में, गिर जाएगा इसकार में बाल बच्चा तो क्या होगा। क्या चाहते हैं आप? हम लोग घर बना देगा बढ़िया से, इतना भोर तो हम लोग कब कपचार कर जाए, जमीन भी ऐसी हम लोग का आधा वो सब ले लिया है। ये घर पहले से बना हुआ कब बना था आपका? पहले से है, खपड़ा खपड़ा घर था पहले से। कौन बनाया? वो आदमी हो सरकार तो हलो, इंदिरा गांधी हलो, खपड़ा के घर पर वही बनाया था इंदिरा गांधी पहले। दिक्कत सर बहुत हो रहा है, देखिए प्लास्टिक भी आड़ के लादे हैं घर में, और पूरा चूता है, और पानी पर हम लोग सूते हैं, सोते हैं बाल बच्चा लेके पानी पर सोते हैं। बाकी कुछ सर सरकार अभी नहीं दे रहा है सर, हम क्या बोले झूठ, बहुत हम लोग का दिक्कत हो रहा है। घर भी उचड़ रहा अपने आप, सड़ गया है घर भी। क्या चाहते हैं? हम लोग घर चाहते हैं सर, लोग को घर बना दीजिए। तो क्या मुखिया जी से आप कभी मिले? मुखिया जी हम लोग बोलते हैं सर, नहीं सुनता है मुखिया जी, वोट देवे में वो तैयार रहता सर, हम लोग अपने खुद में उसको बोलते हैं सर, बाकी सुनता नहीं वो। और देखिए इतना वहाँ से गिरता है पानी, इधर एकदम बाढ़ लग जाता है, इधर से गिरता है पानी, और बच्चा लेके हम बैठे रहे ईटा पर, और बच्चों भींगता है तो कांता है, बच्चा भी रोता है। घर कैसे चलता है आपका? वही सब सर, जड़ी बूटी बेचते हैं तो घर चलता है, बाल बच्चा खिलाते हैं, बाजार ले जाते हैं तो बाल बच्चा को हम खिलाते हैं। बाजार में बेचते हैं? बाजार में जाके बेचते हैं, तब सर सामान लाते हैं तो बाल बच्चा को खिलाते हैं। और क्या क्या काम? और वही खुखड़ी उखड़ी जखने समय होता है तखने लाते हैं तो उसी से भी खिलाते हैं। और कहाँ रोजगारी तो सर नहीं है, रोजगारी क्या करेंगे, रोजगारी नहीं है। बिरहोर समुदाय को हो रही परेशानियों को लेकर हमने बिरहोर समुदाय के साथ एक बैठक की। बैठक में हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी कोडरमा के नाम से एक आवेदन बनाया, जिस पे समुदाय के लोगों के द्वारा हस्ताक्षर किया गया। आवास अभी तक नहीं मिला है तो क्या कहेंगे मैडम, थोड़ा उसमें से 6 लोगों का आवास आ गया, आवास प्लस में सूची में नाम है। उस समय कुछ टेक्निकलिटी की वजह से उनका आधार और बैंक पासबुक नहीं होने की वजह से उनको पैसा नहीं गया है, लेकिन उनका आवास बन जाएगा, 6 लोगों का नाम है लिस्ट में, जो अभी आवास प्लस है उसमें सूची में उनका नाम है। फिर भी 8 परिवार छूट रहे मैडम, उनका हम लोग प्रस्ताव कल्याण को भेज देंगे फिर से आवास उपलब्ध कराने के लिए। मेन उनका है वही जमीन का प्रॉब्लम है, इसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, लेकिन पट्टा उनके पास शायद पूर्व में निर्गत होगा, लेकिन उनके पास अभी पट्टा नहीं मिल रहा है, जिसकी जांच आप कराएंगे, जिसकी वजह से पेंडिंग रह गया है, वो हम लोग देख के उसको प्रोसेस में है कर लेंगे। बिरहोर समुदाय जो कि आवास योजना से वंचित है, वह पुराने मकान में जो जर्जर स्थिति में पहुंच चुका है उसमें रहने को मजबूर है। इस मामले को लेकर हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी कोडरमा रोसमा डुगडुग से मुलाकात कर उन्हें आवेदन सौंपा। उन्होंने बताया 6 परिवारों का नाम आवास योजना की सूची में आया हुआ है, बाकी बचे 8 परिवारों का कल्याण विभाग के द्वारा बिरसा आवास योजना के तहत उन्हें पक्का मकान मुहैया कराया जाएगा। मैं काशिफ अख्तर, कोडरमा झारखंड से, इंडिया अनहर्ड के लिए।